99% लोग अलसी खाने का तरीका नहीं जानते। खत्म होते हैं 18 भयंकर रोग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शरीर में हेल्थ से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होने लगती है, जैसे डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, बालों का झड़ना, याददाश्त की कमी। और इन समस्याओं से निपटने के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, फिर भी हमें राहत नहीं मिलती। आज मैं आपको दोस्तों अलसी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्रयोग करके आप इन सारी समस्याओं को घर बैठे बिना पैसे खर्च किए इनका इलाज कर सकते हो। दोस्तों, अलसी में बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा अलसी के बीज एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल होते हैं। अलसी एक कंप्लीट फूड है। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कॉपर इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर अलसी खाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी आपको अलसी के पूरे फायदे मिलेंगे। तो मैं आपको बॉडी के नेचर के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे अलसी खाना है, किन्हें दही के साथ खाना है, दूध के साथ किन्हें लेना है, भीगो कर किन्हें खाना है, या फिर अलसी की चाय बनाकर किन्हें पीनी है। ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा। एक बात का ध्यान रखें, अलसी कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पचने में भारी होता है। साथ ही इसे कच्चा खाने से पेट में दर्द हो सकता है। तो आपको इसे भूनकर खाना है या फिर इसे भिगोकर खाना है या अलसी की चाय बनाकर पीनी है। आइए सबसे पहले जानते हैं अलसी के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अलसी दोस्तों वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो मछली नहीं खाते हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अलसी को आप दोस्तों अपने बच्चों को खिला सकते हैं, इससे उनका दिमाग तेज होगा। इसमें DHA होता है। DHA हमारे दिमाग को तेज करने में बहुत हेल्प करता है। अभी इस ठंड के मौसम में आप अलसी का लड्डू बनाकर घर पर रख लें और बच्चों को रोजाना 1 से 2 लड्डू दीजिए, बहुत फायदा करेगा। अगले फायदे की बात की जाए तो अलसी हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे मौजूद फाइबर नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। यह हमारे हार्ट के वेंस में जमे फैट को दूर कर ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है और हार्ट अटैक की संभावना को ये काफी हद तक कम करता है। डायबिटीज की समस्या की बात करें तो इस समस्या से पीड़ित रोगियों के लिए भी अलसी खाने के लाभ कारगर होते हैं। रिसर्च में जिक्र मिलता है कि अलसी में मौजूद फाइबर और म्यूसिलेज दोस्तों जिसे चिपचिपा पदार्थ होता है, आप अलसी को थोड़ी देर भिगो कर रखिएगा तो अलसी देखिएगा उसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इसी को म्यूसिलेज कहते हैं। इसकी मौजूदगी की वजह से यह शरीर में इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करती है और इसी प्रभाव के कारण शोध में भी माना गया है कि अलसी में एंटी डायबिटिक यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला प्रभाव मौजूद होता है। तो घर पे कोई भी डायबिटिक हैं उन्हें अलसी खाने को जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो ये बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। दरअसल इसके ऊपर भी एक रिसर्च हो चुकी है। रिसर्च के मुताबिक अलसी डायटरी फाइबर का रिच सोर्स है। फाइबर की मौजूदगी की वजह से यह शरीर में बढ़े हुए प्लाज्मा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। साथ ही शरीर पर जमी अतिरिक्त चर्बी यानी फैट को रिड्यूस करती है, जिससे वजन यानी मोटापा कम होने में मदद मिलती है। इसके अलावा सर्दी खांसी में भी अलसी औषधि की तरह काम करता है। दरअसल एक रिसर्च में माना गया है कि अलसी सर्दी खांसी में आराम दिलाने का काम करती है। वहीं शोध में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि अत्यधिक खांसी ब्रोंकाइटिस की वजह से दोस्तों फेफड़ों में सूजन हो जाती है, है ना। इस समस्या में अलसी की चाय फायदेमंद होती है। आपके घर पे किसी को खांसी हो गया है, बलगम वाली खांसी हो गई है, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, तो आप अलसी की चाय घर पर बनाकर पीजिएगा। 2 चम्मच अलसी के बीजों को कूट कर पानी में तकरीबन 30 मिनट तक भिगो कर रखना है। 30 मिनट के बाद पानी को गर्म करना है और इसे सिप सिप करके पी लेना है। इससे दोस्तों खांसी और बलगम में फायदा मिलेगा। इसके अलावा अलसी का उपयोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से परेशान रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। जी हाँ, दरअसल अलसी से संबंधित एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर खान पान और अपने लाइफस्टाइल में संतुलन के साथ, है ना, अलसी का सेवन करते हैं तो फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी हद तक राहत मिल सकती है।
वहीं इससे संबंधित एक अन्य शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर अलसी जो है लीवर की हेल्थ को बनाए रखने में मदद करती है। इस काम में अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड मुख्य भूमिका अदा करते हैं। इस तरह लीवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अलसी के बीज खाने के फायदे लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा अलसी में दोस्तों आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और एनीमिया से बचाता है। साथ ही दोस्तों अलसी में लिग्निन नामक तत्व होता है जो ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कॉलन कैंसर जैसी बीमारियों को हमसे दूर रखता है। अलसी के फायदे यही नहीं रुकते, ये अर्थराइटिस की समस्या से होने वाली परेशानी में भी बहुत फायदेमंद है। गठिया अर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में सूजन की समस्या हो जाती है और काफी दर्द होता है। अलसी में एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाले प्रभाव मौजूद होते हैं। इस प्रभाव का अर्थराइटिस के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है। अलसी एंटी अर्थराइटिक फूड है दोस्तों, तो जिनको भी गठिया अर्थराइटिस की समस्या है या फिर जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, जिनका शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वे लोग अलसी जरूर खाएं, बहुत ही कमाल का फायदा मिलता है। अगले फायदे की बात की जाए दोस्तों तो ये स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। ये स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। रिसर्च में माना गया है कि स्किन को सॉफ्ट, मुलायम और चमकदार बनाए रखने के साथ ही अलसी रूखी, सूखी और बेजान त्वचा के लिए फायदेमंद है। अलसी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके बाल झड़ते हैं उनमें ओमेगा 3 की कमी होती है, जिस कारण बाल सफेद, रूखापन व कम होने लगते हैं। अगर आप अपने बालों को लंबा, काला, घना करना चाहते हैं तो अलसी का सेवन आज से शुरू कर दीजिए। यह सिर की त्वचा को भी पोषण देता है, जिससे डैंड्रफ और खुजली की समस्या खत्म हो जाती है। तो ये तो दोस्तों हो गए अलसी के फायदे। मैं आपको आगे बताने वाला हूं अलसी खाने के नुकसान के बारे में, यानी अलसी किनको नहीं खाना है, अलसी खाने के साथ आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। इसके साथ ही हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि अलसी को बॉडी के नेचर के हिसाब से किस तरह खाना है, कितनी क्वांटिटी में यानी कितनी मात्रा में आप रोजाना कंज्यूम कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अलसी के नुकसान के बारे में जानते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उन्हें अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका ब्लड प्रेशर और भी लो हो सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को अलसी खाने से अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उन्हें अलसी नहीं खाना है। इसके अलावा अलसी भी सीमित मात्रा में खाना है। ज्यादा खाने से एलर्जिक रिएक्शन का कारण भी बन सकता है। इसकी वजह से पेट में दर्द, गैस, मतली आना, उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए जितनी क्वांटिटी आपको बताई जाए उतनी ही क्वांटिटी आपको रोजाना के डाइट में लेना है। इसके अलावा जिनका ब्लड शुगर लेवल लो रहता है उन्हें भी अलसी सावधानी के साथ खाना चाहिए। तो आप अगर अलसी का रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें। चलिए अब जानते हैं अलसी किस तरह से खाया जाए जिससे इसके पूरे फायदे आपको मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि अलसी की तासीर गर्म होती है, तो इस गर्मी के मौसम में आप अलसी दो तरीकों से खा सकते हैं। पहला तरीका, आप अलसी को पहले भून लें तवे पर, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लें और इस पाउडर का 2 चम्मच 1 कटोरी दही के साथ खा सकते हैं, बटर मिल्क के साथ खा सकते हैं, या फिर आप अलसी को भिगो कर खा सकते हैं। 2 चम्मच की मात्रा में अलसी को पानी में भिगो दीजिए और सुबह भीगे हुए अलसी को चबा चबा कर खा लीजिए और बचे हुए पानी को पी लीजिए। इस गर्मी के मौसम में अलसी को भिगो कर या फिर दही के साथ लिया जा सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान इससे नहीं होगा। गर्मी के मौसम में ध्यान रखिएगा 10 ग्राम से ज़्यादा अलसी कंज्यूम नहीं करना है। हालांकि ठंडी के मौसम में आप 20 से 25 ग्राम तक अलसी का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए।